लग रहा है, मम्मा बताएंगे। सीसीटीवी फुटेज इसलिए लग रहा है क्योंकि मनोज जो है वो जॉर्जिया से वापस आ गया है और वो कहीं ना कहीं जो कि कहते हैं ना कि मेल ईगो, उसका वो मेल ईगो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है। उसको मेघा से कोई प्यार नहीं है, उसको मेघा से कोई लगाव नहीं है, वो खुद मेघा से पीछा पीछा छुड़वाना चाहता था, बट अभी क्योंकि मेघा ने उसे नहले पे दहले वाली मात दे दी है तो उसको देखते हुए उसका मेल ईगो हर्ट हो गया है और अब उसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो ऑल द वे जॉर्जिया से इंडिया आया है मेघा को वापस टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए। और इसी सारी सिचुएशन को देखते हुए पूरी फैमिली ने, मतलब खुराना फैमिली ने पूरा ये किया है कि वी शुड हैव सम प्रूफ कि अगर वो आ रहा है मेघा के एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर आ रहा है क्योंकि FIR हो चुकी है, तो हम एज अ प्रूफ उसको दिखा सकें, बता सकें, सो दैट जॉर्ज मेघा मनोज के खिलाफ जो है और ज़्यादा अच्छा केस बन जाए। और सो वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन आर शो, वी आर ट्राइंग टू शो हाउ कैन यू बी सेफ बाई यूजिंग CCTV। कोई नहीं पता होता है एक्चुअली, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन बहुत अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं और अभी जो मेघा अपने लिए स्टेप ले रही है इट्स आई थिंक वंडरफुल और हैट्स ऑफ टू द एंटायर फैमिली बिकॉज एक फैमिली के लिए भी इट्स नॉट ईजी कि एक लड़की पर इतना कुछ गुजर रहा है और I'm very happy कि खुराना फैमिली इतनी सपोर्टिव है अपनी बेटी को लेकर। सो आई वुड जस्ट से कि बहुत प्यारा शो है और बहुत प्यारी फैमिली, आप प्लीज़ प्लीज़ देखिए एंड बहुत सारे मैसेजेस के साथ हर एपिसोड आप क्या हर एपिसोड को देखें, कोई ना कोई आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा कि आप क्या स्टेप ले सकते हैं और अपनी आवाज़ उठाइए, दबे मत रहिए। और बुआ कुछ बोलेंगे आप? हाँ, बिकॉज आई वाज जस्ट सेइंग कि मैं रोज़ मैं हम खुद के एपिसोड्स नहीं देखते बट आई वॉच एवरी एपिसोड बिकॉज द डायलॉग्स आर सो नाइस व्हाट मैन मेघा कोर्ट में बोलती है करती, इट इज़ वेरी लोगों के लिए एक सीख है। मेरी बेटी पहली बार ये सारे सीन एपिसोड्स देखती है, हमारी मेघा पहले दिन से बड़े बड़े स्टेप ले रही है, तुमको आज दिखाई दिया। पहले दिन से वो लड़ी, जॉर्जिया आ गई अकेली लड़की, वहां से जेल में भाग के आई, तोड़ के आई, वो तब कहाँ थे तुम लोग? तो है ना, हमारे घर में बस सब डेरिंग वाले, ये हमारी थानेदार नहीं है, ये थानेदार की बेटी है और ये मैं उसकी ये बुआ हूँ, इन्फ्लुएंसर धाकड़। तो यस, बहुत अच्छा स्टेप लिया है बिकॉज ये स्टोरी ही अबाउट छोड़ी हुई औरतों की है एंड जैसे बुआ को, बुआ इज ऑलरेडी छोड़ी हुई औरत, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है एंड शी स्टेइंग विद अपने भाई के साथ रही, तो वो नहीं चाहती थी कि मेघा के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मेघा के साथ ऐसा हुआ है और आज अगर वो ऐसा स्टेप ले रही है तो बुआ तो बहुत प्राउड है, पूरा खानदान बहुत प्राउड फील कर रहा है कि ऐसे सब लड़कियों को ऐसा करना चाहिए। सब लोग इस डिसीजन के साथ है, मेघा के साथ है, मेघा को खुद उसके फादर बोल रहे हैं कि चलो FIR करते हैं और हर जगह से सपोर्ट है। सो वही मैं बोलती हूँ कि क्या बोलते हैं ना, अत्याचार सहने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए एंड दैट इज द होल थिंग अबाउट दिस शो कि फैमिली को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं तो घर में बुला रहे पुत्र बैठ जा, ये कर ले, मत कर, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। तो हमारा खुराना खानदान ऐसा नहीं है, हम सब मेघा की सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी बेटी खुश रहनी चाहिए, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बट सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, वो दुनिया से डरते हैं एंड आई थिंक आफ्टर सीइंग दिस शो क्या हम लोग ये शो बनी रहे इसीलिए कि हमको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है कि प्लीज़ अपने घर वालों को सपोर्ट करो, स्टे विद देम, अंदर भले लड़ो बट दुनिया से साथ में लड़ो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट।